या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हम माँ दुर्गा के नौमे रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्धिदात्री माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ दुर्गा के नौमे रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्धिदात्री माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ दुर्गा की ये नौमी रूप सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती है। सारी सिद्धियां माँ से ही प्राप्त होती है। कोई भी काम करते समय अगर माँ सिद्धिदात्री को स्मरण करके करोगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ सिद्धिदात्री यश, धन, कृति और इस दुनिया की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। नवरात्र के नवें दिन इस रूप का पूजन किया जाता है और नवरात्रि में माँ का पूजन करने से साधक सारी साधनाओं को साधते हुए सारी सिद्धियाँ प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। सिद्धिदात्री माँ से सिद्ध होती है सिद्धियाँ सारी। साधक पाते साधना से इतनी है माँ प्यारी। माँ दुर्गा के नौमे रूप का नाम है सिद्धि माता। जो जपता है नाम इनका जग में सब कुछ पाता। मनोकामना की कामना कर जो ध्यान लगाता। यश कृति धन दौलत है उसके घर में आता। हम सिद्धिदात्री के चरणों में शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली होती हैं। उनका वाहन सिंह है। वो कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। उनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। कोई भी मनुष्य का कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें, उनकी आराधना करें। उनकी कृपा से अत्यंत अंधकार भी दूर हो जाती है। पल भर में सुख और सारी सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। महिमा माँ की ऐसी है कि करूं क्या वर्णन ली। सुखदाती मोक्षदाती माता धर्म की देती सी। चार भुजाओं वाली माता सिंह सवारी करती। कमल पुष्प पर कभी है आसन भक्त के घर को भरती। मार्कंडे पुराण में वर्णित माँ ज्ञान को धोती। सारी सिद्धियाँ इनके पास में आठ सिद्धियाँ होती। हम कथा ये कह कह भक्तों से खूब इतराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
हम माँ दुर्गा के नौ में रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से ही इन सारी सिद्धियों को पाए थे। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था। भक्तों, तभी तो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। हम सभी मनुष्यों को माता सिद्धिदात्री की आराधना करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। होती है चर्चा जग में की माँ से है छांव और धूप, आठ सिद्धियां शिव से पाए अर्धनारी का रूप। करके तप और बल की सिद्धि माँ से हम भी पाए, आओ हम सब मिलकर माँ की चरण में शीश झुकाए। नौ में रूप में अजब है शक्ति तेज तप और बल, सुंदर रूप है माँ का जब ही मुख शोभित हर पल। जब जब माँ को भक्त बुलाते पास में पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम नौ दुर्गा के नौ में रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ के बारे में जितना कहूँ कम है। नौ दुर्गा को धर्म की भगवती माता दुर्गा भी कहते हैं। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है। नौमा रूप माँ का मुख्य रूप है। ये पाप विनाशी भी माता है। हर दिन अलग अलग वाहन पर अलग अलग शस्त्र लेकर आती हैं, पर ये सब एक हैं। ये सभी परम भगवती दुर्गा जी का ही रूप है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। हाथ त्रिशूल शंख धनुष बाण चक्र गदा भी शोभे, कहीं बाघ कहीं शेर सवारी तो कहीं पुष्प है लोभे। माँ दुर्गा तो एक ही है पर अलग अलग है काम, सिद्धिदात्री प्रमुख कहलाती माँ का श्रेष्ठ है नाम। इसमें शक्ति स्वयं शिव है राधे कृष्ण भी संग, कभी साधना कभी है साधक माँ के अलग है रंग। जिनकी पूजा स्वयं देवी करके तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माँ दुर्गा के नौ में रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, आओ अब आप सभी को आठों सिद्धियों के बारे में बताता हूँ, जो माँ सिद्धिदात्री की कठिन सेवा पूजा से प्राप्ति होती है। जिसको पाने के लिए हमें मन क्रम वचन सब कुछ से शुद्ध होकर माँ की आराधना करनी पड़ती है। अथक प्रयास और जन्म जन्म के तप से इन सिद्धियों को पाया जाता है। इनका वर्णन हर वेद पुराण में मिलता है। माँ सिद्धिदात्री अति बलशाली शालीन ममतामयी हैं।
जो निस्दिन इनकी आराधना साधना करता है वो इस सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। ममता मई है सिद्धि माता अति बलशाली शालीन, जो माँ से है सिद्धि पाता रहे न दुर्लभ दीन। अणिमा महिमा गरिमा लधिमा प्राप्ति प्रकम्य शीत्व, आठों सिद्धियाँ माँ के पास में आठ मनाम विशीत्व। जितना वर्णन करूँ मैं माँ का शिव हरि लागे कम, तेरी आराधना करूँ मैं माता हुई है आँखें नम। दुख हर लो सब मेरी माता हमें डराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ सिद्धि को लाल रंग बहुत ही पसंद है। जो व्यक्ति माँ को लाल पुष्प लाल वस्त्र, जो नारी माँ को लाल सिंदूर रोली कपूर मौली लाल पुष्प की माला साबुत सुपारी हल्दी की गाठ मध पंचमेवा कमल गट्टा नौवेद बताशा शक्कर नारियल गंगा जल से पूजा करता है या करती है तो माँ उस पर अति प्रसन्न होती है। माँ को यह सब बेहद पसंद है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। लाल रंग की लाल चुनरिया माँ को अति है भावे, तभी तो भक्त भी मिलकर सब ही लाल वस्त्र चढ़ावे। मधु बतासा नारियल शक्कर धूप कपूर फूल ला, अति प्रसन्न है होती माता चरण में दे जो डाल। रहे न दुख की छाया उन पर रहे न कोई जो, जो है लगाता सिद्धिदात्री को कला कंद का भो। माता की महिमा को कह के हम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री की पूजन नवरात्रि के नौवें दिन यानी नौमी को की जाती है। उस दिन का शुभ रंग बैगनी माना जाता है। वेद के कथन के अनुसार शक्ति पार्वती राधा वो जीवात्मा एक हैं, शिव शंकर कृष्ण वो परमात्मा भी एक हैं। इनके ओत प्रोत ही सब कुछ नौ दुर्गा को नौ औषधियों के रूप में भी माना जाता है, जिसे दुर्गा कवच कहा गया है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। नौ दुर्गा के रूप को ही तो नौ औषधि कहलाता, जो करता है इनकी आराधना कष्ट उसका मिट जाता। वेद कथन ये सत्य है सुन लो, माँ का नाम है नेक, शक्ति पार्वती राधा जीवात्मा जान लो सब है। अमृत सा है इनका वंदन कर लो पूजा पाठ, तुम भी सुख के धारक बनोगे मिलेगी सिद्धियाँ।
नाम के ही तो जाप से सारे दुख हर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ दुर्गा के नौमें रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधुमे प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधुमे प्रणाम। भक्तों, माँ कभी भी अपने बच्चों का, अपने सेवक का, अपने भक्तों का अहित नहीं चाहती है। माँ के लिए तो सारी दुनिया संतान के रूप में है और वो सबका भला चाहती है, मगर जहाँ अधर्म, अन्याय, पाप होता है वहाँ माँ निवास नहीं करती है। अतः हमें नित्य दिन उठकर माँ को प्रणाम करना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए, दान और दुखी लोगों की सेवा करना चाहिए। ऐसे लोगों से माँ प्रसन्न होती हैं और सदैव उनका ख्याल करती हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। माँ तो माँ होती है दयामय, सारा जग संतान, अपने बच्चों की रक्षक होती, देती सदा ही ज्ञान। पर जो जान के करता रहता धर्म के काम पे जोर, माँ की उससे कभी न बनती, माँ तो धर्म की डोर। सुन लो लोगों, तुम भी बोलो सत्य वचन के बोल, सारा जग में तेरी जय जय भाव सोने का मोल। माँ की महिमा पालो लोगों, फिर दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ दुर्गा के नौमें रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधुमे प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधुमे प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। हम माँ दुर्गा के नौमें रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सिद्धिदात्री माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ दुर्गा के नौमें रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सिद्धिदात्री माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधुमे प्रणाम, सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधुमे प्रणाम। भक्तों, माँ दुर्गा की ये नौमी रूप सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती है। सारी सिद्धियां माँ से ही प्राप्त होती है। कोई भी काम करते समय अगर माँ सिद्धिदात्री को स्मरण करके करोगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ सिद्धिदात्री यश, धन, कृति और इस दुनिया की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। नवरात्र के नवें दिन इस रूप का पूजन किया जाता है और नवरात्रि में माँ का पूजन करने से साधक सारी साधनाओं को साधते हुए सारी सिद्धियाँ प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। सिद्धिदात्री माँ से सिद्ध होती है सिद्धियाँ सारी, साधक पाते साधना से इतनी है माँ प्यारी। माँ दुर्गा के नौमें रूप
सिद्धि माता, जो जपता है नाम इनका जग में सब कुछ पाता। मनोकामना की कामना कर जो ध्यान लगाता, यश कृति धन दौलत है उसके घर में आता। हम सिद्धिदात्री के चरणों में शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली होती हैं। उनका वाहन सिंह है, वो कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। उनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। कोई भी मनुष्य का कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें, उनकी आराधना करें। उनकी कृपा से अत्यंत अंधकार भी दूर हो जाती है, पल भर में सुख और सारी सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। महिमा माँ की ऐसी है कि करूं क्या वर्णन ली। सुखदाती मोक्षदाती माता धर्म की देती सी। चार भुजाओं वाली माता सिंह सवारी करती। कमल पुष्प पर कभी है आसन भक्त के घर को भरती। मार्कंडे पुराण में वर्णित माँ ज्ञान को धोती। सारी सिद्धियाँ इनके पास में आठ सिद्धियाँ होती। हम कथा ये कह कह भक्तों से खूब इतराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से ही इन सारी सिद्धियों को पाए थे। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था। भक्तों, तभी तो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। हम सभी मनुष्यों को माता सिद्धिदात्री की आराधना करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। होती है चर्चा जग में की माँ से है छांव और धूप। आठ सिद्धियां शिव से पाए अर्धनारी का रूप। करके तप और बल की सिद्धि माँ से हम भी पाए। आओ हम सब मिलकर माँ की चरण में शीश झुकाए। नौमे रूप में अजब है शक्ति तेज तप और बल। सुंदर रूप है माँ का जब ही मुख शोभित हर पल। जब जब माँ को भक्त बुलाते पास में पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम नौ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम सिद्धिदात्री, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ के बारे में जितना कहूँ
कम है। नौ दुर्गा को धर्म की भगवती माता दुर्गा भी कहते हैं। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है। नौमा रूप माँ का मुख्य रूप है। ये पाप विनाशी भी माता है। हर दिन अलग अलग वाहन पर अलग अलग शस्त्र लेकर आती हैं, पर ये सब एक हैं। ये सभी परम भगवती दुर्गा जी का ही रूप है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। हाथ त्रिशूल शंख धनुष बाण चक्र गदा भी शोभे। कहीं बाघ कहीं शेर सवारी तो कहीं पुष्प है लोभे। माँ दुर्गा तो एक ही है पर अलग अलग है काम। सिद्धिदात्री प्रमुख कहलाती माँ का श्रेष्ठ है नाम। इसमें शक्ति स्वयं शिव है राधे कृष्ण भी संग। कभी साधना कभी है साधक माँ के अलग है रंग। जिनकी पूजा स्वयं देवी करके तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री माँ तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री माँ तुम्हें प्रणाम। भक्तों आओ अब आप सभी को आठों सिद्धियों के बारे में बताता हूँ, जो माँ सिद्धिदात्री की कठिन सेवा पूजा से प्राप्ति होती है। जिसको पाने के लिए हमें मन क्रम वचन सब कुछ से शुद्ध होकर माँ की आराधना करनी पड़ती है। अथक प्रयास और जन्म जन्म के तप से इन सिद्धियों को पाया जाता है। इनका वर्णन हर वेद पुराण में मिलता है। माँ सिद्धिदात्री अति बलशाली शालीन ममता मई है। जो निस्दिन इनकी आराधना साधना करता है वो इस सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। ममता मई है सिद्धि माता अति बलशाली शालीन। जो माँ से है सिद्धि पाता रहे न दुर्लभ दीन। अणिमा महिमा गरिमा लधिमा प्राप्ति प्रकम्य शीत्व। आठों सिद्धियाँ माँ के पास में आठ मनाम विशीत। जितना वर्णन करूँ मैं माँ का शिव हरि लागे कम। तेरी आराधना करूं मैं माता हुई है आंखें नम। दुख हर लो सब मेरी माता हमें डराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री माँ तुम्हें प्रणाम। सबसे भक्तों, माँ सिद्धि को लाल रंग बहुत ही पसंद है। जो व्यक्ति माँ को लाल पुष्प लाल वस्त्र, जो नारी माँ को लाल सिंदूर रोली कपूर मौली लाल पुष्प की माला साबुत सुपारी हल्दी की गाठ मध पंचमेवा कमल गट्टा नौवेद बताशा शक्कर नारियल गंगा जल से पूजा करता है या करती है, तो माँ उस पर अति प्रसन्न होती है। माँ को यह सब बेहद पसंद है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। Thank you.
चुनरिया माँ को अति है भावे, तभी तो भक्त भी मिलकर सब ही लाल वस्त्र चढ़ावे। मधु बतासा नारियल शक्कर धूप कपूर फुलला, अति प्रसन्न है होती माता चरण में दे जोड़ा। रहे न दुख की छाया उन पर, रहे न कोई जो जो है लगाता सिद्धिदात्री को कला कंद का भो। माता की महिमा को कह के हम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधु में प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधु में प्रणाम। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री की पूजन नवरात्रि के नौवें दिन यानी नौमी को की जाती है। उस दिन का शुभ रंग बैंगनी माना जाता है। वेद के कथन के अनुसार शक्ति पार्वती राधा वो जीवात्मा एक हैं, शिव शंकर कृष्ण वो परमात्मा भी एक हैं। इनके ओत प्रोत ही सब कुछ नौ दुर्गा को नौ औषधियों के रूप में भी माना जाता है, जिसे दुर्गा कवच कहा गया है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। नौ दुर्गा के रूप को ही तो नौ औषधि कहलाता, जो करता है इनकी आराधना कष्ट उसका मिट जाता। वेद कथन ये सत्य है सुन लो, माँ का नाम है ने शक्ति पार्वती राधा जीवात्मा जान लो सब है। अमृत सा है इनका वंदन कर लो पूजा पाठ, तुम भी सुख के धारक बनोगे मिलेगी सिद्धियाँ। नाम के ही तो जाप से सारे दुख हर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधु में प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधु में प्रणाम। भक्तों, माँ कभी भी अपने बच्चों का, अपने सेवक का, अपने भक्तों का अहित नहीं चाहती है। माँ के लिए तो सारी दुनिया संतान के रूप में है और वो सबका भला चाहती है। मगर जहाँ अधर्म, अन्याय, पाप होता है, वहाँ माँ निवास नहीं करती है। अतः हमें नित्य दिन उठकर माँ को प्रणाम करना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए, दान और दुखी लोगों की सेवा करना चाहिए। ऐसे लोगों से माँ प्रसन्न होती हैं और सदैव उनका ख्याल करती हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सिद्धिदात्री की जय। माँ तो माँ होती है दयामय सारा जग संतान, अपने बच्चों की रक्षक होती देती सदा ही ज्ञान। पर जो जान के करता रहता धर्म के काम पे जोर, माँ की उससे कभी न बनती माँ तो धर्म की डोर। सुन लो लोगों तुम भी बोलो सत्य वचन के बोल, सारा जग में तेरी जय जय भाव सोने का मोल। माँ की महिमा पालो लोगों फिर दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ दुर्गा के नौमे रूप की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, सिद्धिदात्री मधु में प्रणाम। सबसे
सिद्धिदात्री मैया जयती जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया, हम भक्तों की मैया, तुम हो महतारी। ओम जयती जय सिद्धिदात्री, मन वांछित फल पावे।
सिद्धिदात्री।